उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सभी थानों पर मिशन शक्ति के चलते महिला हेल्प डेस्क खुलवाया गया, जिसमें महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं आज बांदा जनपद के नरेनी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उप जिलाधिकारी ने सैकड़ों की संख्या पर छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया। बांदा जनपद के नरेनी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जहां पर नरेनी उप जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित पहुंचकर छात्राओं व शिक्षिकाओं को मिशन शक्ति नारी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। उप जिलाधिकारी ने सभी छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति के चलते महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। वहीं महिलाओं और छात्राओं के लिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी छात्राओं को दी गई, जिसमें बताया गया कि 1090, 181 और 112 नंबर छात्राएं बिल्कुल याद रखें, ताकि रास्ते में किसी भी प्रकार की छेड़खानी या शोधे परेशान करते हैं तो इन नंबरों पर कॉल करें और तुरंत सहायता की जाएगी। वहीं छात्राओं के द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा महिला हेल्प डेस्क की पेंटिंग कर चार्ट बनाकर महिलाओं व छात्राओं को जागरूक करने पर जोर देने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं के द्वारा वॉल पेंटिंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला हेल्प डेस्क नंबर 1090, 181, 112 पेंटिंग में दर्शाया है। मिशन शक्ति महिलाओं को जागरूक और लड़कियों और छात्रों को जागरूक करने के लिए जारी किया गया है। हमारे यहाँ मैम आई थी, उन्होंने बताया कि किस तरह क्या करना चाहिए, अपना बचाव किस तरह करना चाहिए, और जैसे कि सर गाँव में जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उससे बचाव कैसे करना चाहिए। और हमारी गोल्डन मैम ने हमें बताया कि क्या कैसे करना चाहिए, अपना बचाव हम कैसे कर सकते हैं। मिशन शक्ति द्वारा राज्य सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके तहत आज मेरे स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें बच्चों ने पेंटिंग के माध्यम से मिशन शक्ति के उसमें जागरूक करने का कार्यक्रम किया था। वो महिलाओं को जागरूक करने के लिए चालू किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि महिलाओं एवं बालिकाओं छात्राओं को जागरूक करने के लिए दिया गया, और ये हमारे स्कूल में पेंटिंग एवं ये सब बनवाई जा रही है। हमारे स्कूल में दीदी एवं बहुत सारी हुआ है, और हम लोगों को ये सब बताया है कि वो हम कैसे जागरूक होना है महिलाओं के बारे में। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमसे जैसे कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कोई हमसे छेड़छाड़ कर रहा है तो आज हमें पहले मम्मी को बताना चाहिए। अगर जो मम्मी नहीं मान रहे हैं, मम्मी ये बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमें अपने बड़ों से मुझे चाचा से बताना चाहिए। अगर जो चाचा नहीं बात कर रहे हैं तो हमें ये महिला हेल्पलाइन नंबर लगाना चाहिए। मैं भी पूरे मिशन शक्ति को लेते हुए सभी महिला ग्रुप्स पे बहुत फोकस किया है। सबसे पहले तो हमने अपनी तहसील में ही एक हेल्प डेस्क बनाई है, जिसका निर्देश हमें शासन से ही था, और हमने थाने में भी ये चीज हमारे महिला हेल्प डेस्क वहां पे उपलब्ध है। इसके अलावा हम लोगों ने स्कूल जाने वाली बच्चियों पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि ये वो वर्ग है जो बच्चियां अपने घर से बाहर निकलती हैं, उन्हें तरह तरह के लोगों से सामना पड़ता है स्कूल आने जाने के लिए, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता हो। इसके अलावा हम लोगों ने हर वो ग्रुप जहाँ महिलाओं का कंसंट्रेशन है, जैसे आपका NRLM का ग्रुप है जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महिलाएं हैं, इनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, अपने जैसे कि अगर घरेलू हिंसा है, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन कई बार होता है कि महिलाओं को लगता है कि हम किसे बताएं क्या करें, उन्हें ना कानूनों की जानकारी है ना उन्हें कई बार ये लगता है कि हम बताएंगे तो उन्हें सुना जाएगा। तो हम लोग लगातार इस तरह के ग्रुप्स को बुलाते हैं और उनको शासन की योजनाओं के बारे में और अगर कोई उनको समस्या हो तो उनको मदद के बारे में बताते हैं। मिशन चलाया गया है जिसके क्रम में श्रीमान ऋषभ महोदय के आदेश अनुसार गांव में चौपाल लगाकर बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण को लेकर के शक्ति मिशन के संबंध में बताया जा रहा है। कॉलेजों में, स्कूलों में और गांव में चौपाल लगा करके उसके संबंध में यह बताया जा रहा है कि अगर आपके विरुद्ध आपके साथ कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है उसको न छिपाएं और अपने माँ बाप से जरूर बताएं। अगर वो नहीं समस्या का समाधान होता है, अगर लड़का बार बार छेड़खानी करता है, तो इसके लिए हमारे यहाँ थाने में महिला हेल्प डेस्क
बना हुआ है, जहाँ पर महिलाएं मात्र महिलाएं जो उसमें रहती हैं वो अपनी बात आगे बता दें, और जो भी लड़का उनके साथ छेड़खानी आगे कर रहा है उसके विरुद्ध मुकदमा लिखवा दें, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। और कई हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे 1090 है, 112 है, 181 है, 1076 है, 102 है, जिससे कि वो लड़कियां अगर कहीं भी अपने को असुरक्षित समझती हैं तो तत्काल इस नंबर पर बात करेंगी और ठीक 5 मिनट के बाद हमें सूचना मिल जाती है, मिल जाएगी और उसकी हम मदद कर सकते हैं। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया, उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं देश के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दिल में देशभक्ति का जज्बा कायम रखें। आज से मेरा भी यह संकल्प है कि मैं शिवशंकर मिश्रा और बब्बी महाराज हर असहाय निर्धन दिव्यांग व मानसिक रोगियों की हर मदद करने का प्रयास करूँगा। अगर आपकी नज़र में कोई भी असहाय हो जो आज परेशान हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है।